हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSB का, आपको पता है स्किल टेस्ट होने वाले हैं, तो उसके कुछ एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन बताऊँ कैसे कैसे आपको क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छे लगे तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। जनरल इंस्ट्रक्शन या DSSB ने खुद जारी कर रखे हैं, ठीक है। देख लेते हैं किस किस पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पे 23/21 जूनियर स्टेनोग्राफर है। उसके बाद यहाँ पे एलमत पोस्ट कोड 40/20, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले डेट, जो पहला इंस्ट्रक्शन है उन्होंने बता रखा है डेट एडमिट कार्ड पे ही होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है उसमें इन्होंने बता रखा है, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम से क्या नाम है, रिपोर्टिंग टाइम के अंडर पहले आना है, ठीक है। नो एंट्री आफ्टर अलाउड देर आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम से पहले आ जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, वहाँ पर आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, फोटो मतलब उसमें फोटो भी लग रही होगी आपकी, ठीक है। तो वो है कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी अलाउड, ठीक है। वो क्या नाम है, उन्हें एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं दिया जाए जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ई एडमिट कार्ड अलोंग विद अ पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो लानी है फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट पेज लेके आना, ऑन द वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी, मतलब कोई भी आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेके जाना है, ठीक है, जिसमें फोटो वगैरह क्लियर हो, मतलब फेस है वगैरह वो क्लियर आ रहा हो, ऐसा नहीं है फेस वगैरह तो भगा देंगे वो, ठीक है। तो अपनी दोनों तीनों आईडी ले लें जिसमें आपका फेस साफ आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पांचवा नंबर पॉइंट, द ई एडमिट कार्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट कोड अपलोडेड हो गया है, ठीक है, कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट ऑफ द स्किल टेस्ट इज प्रोविजनल, द कैंडिडेट शुड सर्टिफाई देमसेल्फ रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ द एज कास्ट वगैरह, ठीक है, चलो ये कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद द बोर्ड रिजर्व टू राइट, ठीक है, वो तो सबको होता है कि जब मर्जी आपका क्या वो कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद द बोर्ड विल प्रोवाइड कंप्यूटर कीबोर्ड, ठीक है, कब मतलब वो सारी चीज़ें, प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्ट हैंड के लिए बुक देंगे, हिंदी टाइपिंग वगैरह के लिए जो भी यहाँ पे इन्होंने बताया, पेंसिल वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे था कैंडिडेट शुड ब्रिंग, मतलब अपनी पेंसिल आप ला सकते हो, देंगे वो भी, वो आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो वो अपनी भी पेंसिल यहाँ पे ला सकते हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको पेंसिल की आदत होती है वो है, तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उनकी यूज़ करना चाहते हो या नहीं यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। जो स्किल टेस्ट है दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आपको पता है बायलैंग्वेज है। जो हिंदी का फॉन्ट यहाँ पे होगा वो कृति देव होगा, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा होगा, मंगला होगा या कृति देव होगा, तो यहाँ पे कृति देव होगा। द कैंडिडेट शुड नॉट ब्रिंग एनी आर्टिकल, कोई आर्टिकल लाने नहीं दिया जाएगा उसे, ठीक है, मतलब कोई शीट हो गई, बुक हो गई, नोट्स हो गई, उसे लाने नहीं दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस उन्होंने बता दिया है, कुछ नहीं मिलेगा, जितने भी एक्सपेंस होंगे। कैंडिडेट शुड राइट देयर पर्टिकुलर, मतलब सीट पर आपको अपना नेम, रोल नंबर वगैरह, पोस्ट कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं कैंडिडेट स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम beginning of पैसेज आफ्टर लीविंग वन इंच, मतलब वही कहते हैं एक टैब आपको जो देना है, बहुत बच्चे पूछते हैं टैब कहाँ देना होता है, ठीक है, टैब वही है अपने क्या नाम है, जब आप लिखोगे तो वहाँ पे एक टैब दे देना, ठीक है, साइड मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बेसिक डिटेल बता रखी है जो शॉर्ट है वो एलमद के लिए भी और यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए भी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इन्होंने बताया जब वो स्टार्ट टाइपिंग कहेंगे तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, जब वो स्टॉप टाइपिंग कहेंगे तो आपको स्टॉप टाइपिंग कर देनी, बेसिक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपको अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो, कंप्यूटर सिस्टम, कीबोर्ड, चेयर वगैरह किसी भी चीज़ के, तो ये आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको बोलना पड़ेगा। इफ इन केस नहीं वो, अगर मानो जो भी इन्विलेटर होता है वो चेंज नहीं करता, तो आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप वहाँ पे सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी का सवाल है, तो आप देख लेना। उसके बाद आप कोई भी एक्सक्यूज़ यहाँ पे नहीं दे सकते हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, जो भी आप कहोगे अगर आपने पहले कहा होगा तो उसकी सुनवाई ज़रूर होगी। बेशक इन्विजिलेटर ना करे तो आप सीनियर पे जाना, पर आप कि जाना ज़रूर, मतलब देखना पहले सारी चीज़ सेटिस्फाई करना कि क्या सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक सी डिटेल है, बाकी मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता ही दिया है, जो जो मेन चीज़ है, ठीक है। कोविड नॉर्म्स इन्होंने बता रखे हैं जो कि कोई फॉलो ही नहीं करता, ना कोई कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।